आप सभी का डीपीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निरंजन कुमार आर्य बने राजस्थान के मुख्य सचिव, राजीव स्वरूप को नहीं मिला एक्सटेंशन। सड़क हादसे में बाइक सवार हुआ घायल, प्राथमिक उपचार के बाद रेफर। पटाखा व्यापारियों की स्थिति दयनीय, कर्ज में डूबे छोटे व्यापारी परिवार सहित खुदकुशी करने की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में 31 अक्टूबर यानी कि शनिवार को दिन भर सस्पेंस रहने के बाद में करीब रात को 2:30 बजे वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। निरंजन कुमार आर्य अनुसूचित जाति से आने वाले राज्य के पहले मुख्य सचिव है। इससे पहले सेवा विस्तार की चर्चाओं के बीच में निवर्तमान मुख्य सचिव राजीव स्वरूप सेवानिवृत्त हो गए थे। दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं होने के कारण राजीव स्वरूप को 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं मिला। राज्य के कार्मिक विभाग के निरंजन कुमार आर्य की मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति के आदेश जारी करने के साथ ही 21 IAS अफसरों के तबादले भी कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार के 8 IAS अफसरों की वरिष्ठता लाखगर निरंजन कुमार आर्य को ब्यूरोक्रेसी का नया मुख्य बनाया गया है। और अब खबर सरदार शहर से, जहां पे शनिवार को देर रात्रि तारानगर रोड पर सड़क हादसे में एक बाइक सवार घायल हो गया। सूत्रों के अनुसार रोलासर निवासी संतलाल बाना तारानगर के राजकीय अस्पताल में कंपाउंडर के पद पर कार्यरत है, जो बाइक से सवार होकर सरदार शहर जा रहा था कि तारानगर रोड पर बाइक फिसल गई, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां से गुजर रहे पूर्व उप प्रधान ताराचंद सारण ने घायल संतलाल को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें चूरू रेफर कर दिया। और अब खबर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से, जहां राजस्थान में चलाई जा रही महिला सुरक्षा अभियान को लेकर अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 7 JSM में महिला जागरूक अभियान रखा गया, जिसमें समेजा कोठी पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सरपंच कृष्ण मेघवाल, पूर्व सरपंच शुभचरण सिंह व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व महिला स्टाफ एवं ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रही। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां राम जन्मभूमि बलिदान दिवस के अवसर पर आज भीलवाड़ा के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां राम जन्मभूमि बलिदान दिवस के अवसर पर आज भीलवाड़ा में लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। तेजाजी चौक में स्थित बालाजी मंदिर के संत बलराम दास महाराज, ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बालाजी मंदिर के रामायण दास महाराज और सिद्धि बाली बालाजी महंत मदन अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का प्रारंभ किया गया। रक्तदान शिविर में 251 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। कार्यक्रम में चारों प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बजरंग दल के जिला संयोजक चेतन माली ने कहा कि आज के दिन 1990 में कार सेवक राम जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब से इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके चलते हम हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। यह रक्त निशुल्क जरूरतमंदों को दिया जाएगा। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे देश भर में हुतात्मा दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाया जा रहा है।
1990 में जो कार सेवक शहीद हुए थे राम जन्मभूमि आंदोलन में, उन्हीं की याद में ये कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है और उन्हीं के रूप में हम रक्तदान देकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये कार्यक्रम आज पूरे देश भर में एक साथ मनाया जा रहा है और हर वर्ष ये कार्यक्रम मनाया जाता है। उनको जो श्रद्धांजलि रूप में कार्यक्रम हर वर्ष की बात, ये कार्यक्रम मनाया गया है। इसमें 250 से 300 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। यह जो रक्तदान शिविर करा जाता है संगठन के मार्फत, ये इसमें जो भी जरूरतमंद होते हैं, इसमें कोई भी आम हिंदू समाज हो, उन सब के लिए ये रक्त की व्यवस्था रहती है। और अब खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा संचालित सोनी परिषद संस्थान द्वारा मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार गेस्ट हाउस माताजी मंदिर में एक कार्यक्रम रखकर स्वर्णकार समाज द्वारा दिए गए ऑक्सीजन सिलेंडर दानदाताओं का माला पहनाकर एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि पीरदान जी रोड़ा ने की। वह वरिष्ठ अतिथि बजरंग दल लड्डा अभिशील डांवर रहे। कार्यक्रम में 14 दानदाताओं का सम्मान किया गया, जिसमें रतन लाल गिरधारी लाल भामा, कन्हैया लाल, प्रदीप कुमार जोड़ा, तोला राम, मोहन लाल सोतावड़, संत लाल चंपा लाल डांवर, बजरंग लाल, राकेश कुमार रोड़ा, किशन लाल श्री राम कड़ेल, प्रहलाद राय, पंकज कुमार रोड़ा, किशन लाल शंकर लाल कड़ेल, हुलास मल, अरुण कुमार रोड़ा, कन्हैया लाल, संदीप कुमार रोड़ा, शिव भगवान, महेंद्र कुमार जांगवाला, समरमल, विनोद कुमार जांगवाला, जगदीश प्रसाद, हनुमान प्रसाद कड़ेल, शिव रतन कुमार तोशवाड़ा आदि प्रमुख थे। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष चंपालाल सोनी ने बताया कि संस्था में समाज द्वारा 8 सिलेंडर की व्यवस्था थी, जो कोरोना महामारी को देखते हुए नाकाफी थी। हमने समाज के लोगों से इस बारे में कहा तो उन्होंने 14 ऑक्सीजन सिलेंडर संस्था को प्रदान किए और आज उनका अभिनंदन समारोह रखा गया। और अब खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे से, जहां जयपुर रोड पर स्थित श्री ऑफिस के सामने रविवार को 11:15 पर पूर्व विधायक भोलाराम सैनी ने पूजा अर्चना के बाद में फीता काटकर लुधियाना के गर्म कपड़ों की सेल का शुभारंभ किया। इस दौरान सेल के चेयरमैन रंजीत सिंह व विकास कनवा ने बताया कि उदयपुर वाटी कस्बे में वासियों सहित आसपास के ग्रामीणों को सर्दी के गर्म कपड़े उचित रेट पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सर्दी शुरू होते ही नवंबर महीने के पहले दिन ही लुधियाना में गर्म कपड़ों की सेल का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसमें ग्राहकों को उचित रेट पर गर्म कपड़े उपलब्ध करवाए जाएंगे। और अब खबर जैसलमेर के लाठी से, जहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट मैनेजर जगत सिंह के निर्देशन में रविवार को लाठी कस्बे के मुख्य बाजार में सतर्कता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आरपीओ अधिकारी कुशल सिंह सिनवार ने उपस्थित में ग्रामीणों का आह्वान किया कि वे मुख्य सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों के साथ में स्थापित कर अपनी समस्या ग्राम स्तर से जिला तथा तत्पश्चात राज्य स्तर पर उठाएं। आज सभी के पास में मोबाइल सुविधा उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर वे आसपास हो रही अनियमितताओं भ्रष्टाचार की सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया पंपलेट भी वितरण किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण के उपाय के साथ ही महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर भी दिए गए हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सुपरवाइजर रामदेव, एचआर भगत सिंह, उमेश सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। विजिलेंस अवेयरनेस वीक यानी कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में लाठी गांव और सोडाको टोल प्लाजा पर लोगों को हमने जागरूक किया कि ना तो कोई रिश्वत ले, ना किसी को कोई रिश्वत दे। आज भारत देश में कोई भी लोग समाज में
कोई भी इससे अछूता नहीं है, जो इसकी गिरफ्त में ना आया हो, तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। समाज में एक विभक्त की तरह ये फैल रहा है, जितने समाज में लोग जागरूक रहेंगे उतना ही भारत समृद्ध बनेगा। और अब खबर जोधपुर के देचू से, जहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देचू में शनिवार रात को शरद पूर्णिमा खीर महोत्सव मनाया गया। भगवान वाल्मीकि की तस्वीर पर माल्या अर्पण कर खीर का भोग लगाकर प्रसाद चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। स्वयंसेवक के मध्य कबड्डी, नीर तीर, गंगा स्नान, दंड प्रहार, लंबी कूद सहित प्रतियोगिता करवाई गई। संघ के सह विभाग कार्यवाहक चूनाराम द्वारा शरद पूर्णिमा खीर महोत्सव राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका की विस्तार से जानकारी दी गई। आगामी दीपावली को प्रत्येक घर पर मिट्टी के दीपक लगाने व चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प दिलाया। खीर प्रसाद का वितरण किया गया, साथ ही अमृत वचन के बाद में संघ की प्रतिमा प्रार्थना का विचार भी किया गया। और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां दिवाली के बहुत कम दिन रह गए हैं और अभी तक प्रशासन ने पटाखा व्यापारियों को लाइसेंस नहीं जारी किया है। कोविड-19 के चलते इस बार सरकार की तरफ से पटाखा व्यापारियों को लाइसेंस नहीं देने की बात चल रही है, परंतु पटाखा व्यापारियों की हालत बद से बदतर है। छोटे व्यापारी जो हर साल चंद दिनों के लिए दुकान लगाते हैं, उन्होंने कर्ज लेकर माल बुक करवाया और दिवाली पर कमाने के लिए अपनी सोच रखी। बगैर लाइसेंस नहीं मिलने से उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जयपुर फायर डीलर एसोसिएशन के महासचिव अमित राजानी ने बताया कि सरकार कम से कम 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाज़त दे, जिससे कि व्यापारियों को करोड़ों रुपए का माल जो रखा हुआ है वह निकल सके और अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हो सके। छोटे व्यापारी जिन्होंने कर्ज देकर माल बुक कराया है, उनके हालात बहुत बुरे हैं। उनके घरों में परिवार चलाने लायक भी खर्चा नहीं है। ऐसे हालात में परिवार के साथ में वह कुछ भी घटना घटित कर सकते हैं, इसलिए सरकार ने उन्होंने अपील की है कि लाइसेंस को जल्द से जल्द जारी कर व्यापारियों को राहत दे। पटाखा व्यापारी बाबूलाल ने कहा कि बरसों से पटाखों की दुकान लगा रहे हैं, दिवाली पर थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, उससे घर की दिवाली और बच्चों के कपड़े वगैरह बन जाते हैं। इस बार दिवाली बिल्कुल सूनी नजर आ रही है। लॉकडाउन में काफ़ी कर्ज लिया था, दिवाली पर चुकाने की बात कही थी, परंतु दिवाली पर लाइसेंस नहीं मिलने से घर के हालात और बुरे उन्हें दिखाई दे रहे हैं। युवा व्यापारी भास्कर ने कहा कि मकान किराए का है, बुजुर्ग माँ बाप है, बहन की शादी करनी है, लॉकडाउन में कर्ज लिया था और अभी पटाखों की दुकान लगाने के लिए लाइसेंस नहीं मिल रहा है। दिवाली के लिए पहले से ही तैयारियाँ करनी होती है, लेकिन कर्जा लेकर दुकान और माल बुक करवाया, मगर सरकार की ओर से इस बार लाइसेंस नहीं देने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि लाइसेंस नहीं मिलता है तो कर्ज कैसे चुकेगा, मजबूरन खुद को और परिवार वालों की जीवन लीला समाप्त करनी होगी। अब तो एक्शन लेने का कोई सवाल ही नहीं है। सरकार जो निर्णय करेगी, हमारा सरकार से निवेदन है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के हिसाब से व्यापारियों के हित में निर्णय करे। आज सरकार हर मोर्चे पर कोरोना का सामना कर रही है और राजस्थान सरकार सफलता से निपट रही है, तो हम भी चाहेंगे जिस प्रकार हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, स्कूल खोलने की तैयारी है, उसी तरीके से पटाखों के ऊपर भी कुछ शर्तों के साथ व्यापार करने की इजाज़त दी जाए। हम सरकार से निवेदन कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। इसमें आप किस तरीके की मतलब सरकार से, इस बारे में मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि अगर फटाखों को प्रदूषण का आधार माना जाता है तो फटाखों से ज़्यादा प्रदूषण बीड़ी सिगरेट गाड़ियाँ फैक्ट्रियों में है। पर ठीक है, आप प्रदूषण की बात करते हैं तो जो फटाखे अब बन रहे हैं वो बहुत सुरक्षित फटाखे बन रहे हैं और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी की हुई है कि दिवाली के दिन 2 घंटे फटाखे जलाए जा सकते हैं न्यू अप्रूव्ड फार्मूला के हिसाब से। मैं आपको उसकी प्रति भी उपलब्ध कराता हूँ और सरकार ने 203 फैक्ट्रियों को सर्टिफिकेट भी जारी किए कि अगर आप उनका माल बेचते हैं तो वो वैधानिक और प्रमाणित है। तो हमारा सरकार से निवेदन यही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए न्यू अप्रूव्ड फार्मूला के हिसाब से अगर 2 घंटे भी फटाखे जलाने का आदेश दिया जाए तो हम सरकार के आभारी रहेंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम अमित राजानी है, मैं सचिव राजस्थान फायर डीलर एसोसिएशन से। घर के हालात मजबूर है,
आज आप मेरे को 8 महीने हो गए धंधे से बेरोजगार बैठे हुए, और घर वाले मालूम हर तरह से परेशान कर रहे हैं। बाजी बाजी वक्त में घर पे भी नहीं जाता हूँ कई बार, क्योंकि घर वाले मालूम है। सर ये मैंने लाइसेंस की अप्लाई करी थी तो मेरे को लाइसेंस नहीं मिलता मेरे, और मैंने लॉकडाउन में बहुत सारा कर्जा लिया था 5-6 महीने का, जो लगभग करीबन 30 से 40 हज़ार रुपये का मेरा कर्जा हो गया था, जो मैं मेरी फैमिली को चलाने के लिए, घर खर्चा चलाने के लिए पारिवारिक हूँ, और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। मेरी दुकान किराए की है, मकान मेरा रेंट पर है, अभी मैंने दुकान का भी एडवांस दे चुका हूँ और माल भी मैंने एडवांस बुक करा चुका है। अब मुझे अभी तक लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, ये लाइसेंस के कारण सर मैं क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ, क्योंकि मैंने कर्जा भी ले रखा है, मेरी दुकान भी रेंट की है, घर भी रेंट का है, बुजुर्ग माँ बाप है, मैं मेरा घर परिवार कैसे चलाऊँ। या तो मेरे पास फिर एक ही ऑप्शन ऑप्शन होता है, या तो मैं मरूँ, या फिर मैंने मेरे घर वालों को कुछ, या तो मेरा कर्जा फिर कैसे निकले। ये अब तो मुझे लाइसेंस दिया जाए तो मैं कमा करके मेरा थोड़ा कर्जा निकाल सकूँ, मेरा परिवार भी चलाऊँ, मेरी सिस्टर की भी शादी करनी है, और मेरा मकान कर्जे का है, दुकान कर्जे की है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है मेरे सर पे। मैं अकेला हूँ करने वाला, मैं क्या करूँ, मेरे जैसे काफ़ी दुकानदार हैं बेचारे परेशान हो रहे हैं, पूरा लॉकडाउन उन्होंने कैसे कर्जे में निकाला है, और अभी उन्होंने कई दुकानदारों ने माल भी बुक करा चुके हैं बहुत सारा। अब उनको देखते हुए बस हमारी अपील ये है सरकार से, प्रशासन से, हमारे को लाइसेंस दिए जाए प्लीज़। आपका नाम? मेरा नाम भास्कर गहलोत। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।